नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के शैपुरा तहसील अंतर्गत मुखवारा क्षेत्र से राजा दुबे सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव केले के पेड़ के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनकी लोकप्रियता आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध है। वहीं जनसंपर्क के दौरान दीपक दुबे राजा स्थानीय ग्रामवासियों से मिले और गांव की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। लगातार दीपक दुबे स्थानीय नागरिकों से संपर्क बनाए हुए हैं। आगामी चुनाव में मुखवारा के नागरिकों का भरपूर सहयोग दीपक दुबे को मिल रहा है। मैं दीपक दुबे ग्राम मुकनवारा से, ग्राम पंचायत बोहानी जमुनिया नया गांव और मुकनवारा चारों ग्राम पंचायत से सरपंच पद हेतु आगे बढ़ा हूं और सभी जन का सहयोग है। और मेरे यहां पे मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं सभी आदिवासी वर्ग के और सभी सामान्य वर्ग भी है, सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं और सभी को आगे विकास के लिए मैं इन सब के बीच आगे हुआ हूँ और सभी का सहयोग अच्छे से मिल रहा है। आज हमारा जनसंपर्क रहा जिसमें सभी ग्रामवासियों ने अच्छे से सहयोग करते हुए सबके साथ मिलके और तरक्की के लिए हम लोग को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया और हम लोग सभी के लिए काम करने के लिए अग्रसर हैं। क्या मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग का मुद्दा है कि गाँव में जो रोडें हैं, नाली है और पानी की समस्याएँ हैं गाँव में, और मकान जिनके नहीं बन पा रहे हैं और जिनकी राशन कार्ड नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात की, स्वास्थ्य विभाग जो है इसमें भी हमें आगे होना है। गांव के स्कूल है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, उन जगह भी हम लोग को देखना है, आगे बढ़ना है। उसी के लिए हम लोग आगे हुए हैं और गाँव से सभी से सहयोग ले रहे हैं कि भाई हमें सहयोग करें और एक बार मौका दें। सामान्य सीट हमारे यहाँ 15-20 साल बाद आई हुई है, तो सभी ग्रामवासियों से हम लोग का अनुरोध रहा है कि भाई हम लोग को एक बार सहयोग करें और आगे बढ़ाएं। सबका सहयोग अच्छा साथ मिल रहा है और हम लोग इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाम और निशान? गांव राजा दीपक दुबे, ग्राम मुकनवारा ग्राम पंचायत से प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह हमारा है नारियल का पेड़।